हेलो गाइस, मेरा नाम है मनु और आप सभी का स्वागत है ड्रीम होम ब्लॉग्स में। गाइस, आज मैं आप सबके लिए इंडिपेंडेंट हाउस जो कि सिंगल स्टोरी में बना हुआ है, 1 BHK, सॉरी 1 BHK नहीं, सिंगल स्टोरी में इंडिपेंडेंट हाउस बना हुआ है, जो जिसमें कि आपको एक रूम, जिसमें आपको सामने का जो उसका फ्रंट है, ये आपका फ्रंट पूरा इसका 17 फीट का फ्रंट है और बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ है, जिसमें आपके अंदर एक आराम से SUV खड़ी हो जाएगी। साइड में इधर किचन दे दिया गया है, जिसमें कि आप मॉडल किचन देख रहे हो, वुडन वर्क करवा के, लकड़ी का सारा काम और सीलिंग का सारा काम, रेलिंग जीने की जो देख रहे हो आप, सब काम करवा के पूरा टाइल्स जो लगे हुए हैं, उधर टाइल्स लगे हुए हैं। आपको इसमें इन पंखे वंखे का भी काम करवा लगवा दिया है हमने, और पूरा का पूरा आप जो देख रहे हो ये कंप्लीट फ्लैट है, और इसी प्रकार का, जिस प्रकार का ये बना हुआ है, इसी प्रकार से हम इसको हैंड ओवर करेंगे। और अभी इसमें हम लोगों ने फिलहाल में ऑफिस खोल रखा है, अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि किस टाइप का ये बना हुआ है। मैं आपको अंदर कमरा दिखा देता हूँ, और इधर बगल में इधर एक कमरा बना हुआ है जो कि कमरा है 12x14 का, और उसके साइड में टॉयलेट है। आप देखो कि दीवार के साइड साइड में भी हमने लगा रखी है टाइल्स, इससे क्या होगा कि आपके दीवार पे सेपेज या सीलिंग नहीं आएगी, या फिर दीवार पे कोई दाग धब्बे नहीं लगेंगे आप बैठोगे तो। ऊपर हमने पंखा लगा दिया, छोटी सी सीलिंग बना रखी है, और इस साइड में बात करूँ मैं आपको तो पूरा फर्श जो है पूरी वुडन टाइल्स लगा रखी है। आप देख रहे हो कि किस प्रकार की टाइल्स लगी हुई है, पूरा वुडन टाइल्स हैं। और साइड में मैं आपको दिखा दूँ तो पूरा हमने साइड साइड पूरे वॉल पर आपको लगा रखा है, जिससे कि आपकी वॉल जो है वो मेंटेन रहेगी। और सामने बात कर लूँ मैं आपको तो पूरा स्पेस है, जिससे कि आपकी आराम से SUV गाड़ी खड़ी हो जाएगी, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमने इसी को दिक्कत बनाया है। जो टॉयलेट का एरिया है ये भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ही बड़ा टॉयलेट का जो एरिया है उसको भी काफ़ी स्पेस है, और इसमें भी टाइल्स वाइल्स का सारा काम, फिटिंग टोटी की सब कुछ करवा रखा है हमने, जो कि आप देख सकते हो किस प्रकार की चीज़ें लगी हुई हैं, सब की सब आपके सामने ही है। और जो इसका एरिया है काफ़ी स्पेस है, बाथरूम में भी काफ़ी स्पेस है, आपके आराम से वॉशिंग मशीन यहाँ पे, इसमें भी आप चाहो तो अंदर भी रख सकते हो, अदरवाइज हमने बाहर भी इसके लिए दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, जैसे कि आप लगा सकते हो। इधर आपने लगा रखा है आपके हैंड वॉश करने के लिए, लगा रखा है यहाँ पे सिंक लगा रखा है, आप देख सकते हो। और पूरे वायरिंग और लाइटिंग की फिटिंग और फिनिशिंग का काम सब कुछ हो गया है, पूरा फ्लैट रेडी टू मूव है। छोटे मोटे जो काम है वो बस करवा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा जीने को जाकर दिखा देता हूँ कि ऊपर किस प्रकार का है जीना, जो साइज आप देख सकते हो कितने बड़ा जीना भी किस टाइप का बना रखा है हम लोगों ने, जैसे कि आप ऊपर भी गेट उठ लग गया है, और साइड में किचन दे दिया है हमने, और साइड को आप या तो होल बना लो या तो अपनी पार्किंग बना लो, जो समझ में आए इस हिसाब से समझ में आए उस हिसाब से कर सकते हो। ये मैं किचन के अंदर का दिखाता हूँ आपको, नीचे खोल खाल के कि किस प्रकार से बनाई गई है। और इस फ्लैट पे आपको 80 से 90% लोन आराम से हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा। रजिस्ट्री के साथ साथ आपको दाखिल खारिज भी मिलेगा, जैसे आप रजिस्ट्री कराओगे आपको दाखिल खारिज भी मिलेगा, और इसमें आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 की सब्सिडी भी मिलेगी। जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ये 55 गज में बना हुआ है, पूरा पूरा 55 गज का एरिया है ये, जिसका फ्रंट है ये 18 फीट का है, और जो गेट लगा हुआ है आप सामने देख सकते हो, सेम ऐसा ही बगल में बना रखा है, दोनों एक ही जैसे सेम बने हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको अंदर जाके कि किस प्रकार का है। अब इसमें काम चल रहा है, अभी इसका काम कम्प्लीट हुआ नहीं है, फिनिशिंग का काम चल रहा है इसका, अदरवाइज आप दोनों देख सकते हो, दोनों फ्लोर बिल्कुल सेम है, कोई भी कंप्रोमाइज, जो सामान उसमें लगेगा वही सामान इसमें भी लगेगा, दोनों फ्लोर दोनों को दोनों सेम है, बस टाइल्स का कलर और कमरे का जो कलर्स है, पेंट का जो कलर्स है, बस वो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो किचन का काम सारा हो गया है, किचन के जो कि जितने भी वुडन वर्क हैं सब करवा दिया है हम लोगों ने, मैं आपको थोड़ा खोल कर दिखा देता हूँ, किसी भी चीज़ में आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतने कम बजट में, जो उसका बजट है, जो उसकी डिमांड है, उस डिमांड में आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है, आप सोच सकते हो कि हाँ इतना हम किराया देते हैं, जितना हमारा महीना किराया जाता है उतना हम इसमें अपना EMI डाल के इसमें हम रह सकते हैं, और इसके ऊपर आराम से 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल आप बनाओ, छत सहित आपका है, नीचे सहित आपका है, पूरा का पूरा घर में आप आराम से इसका इस्तेमाल करो, जो आप किराया देते हो उसको, जो आप रेंट देते हो उसको आप EMI में पे कर सकते हो, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और यहाँ से सब कुछ आप डिस्क्रिप्शन में देखो, मैं सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना कौन कौन सा इलाका आपके पास पड़ता है, प्राइस रेट सब कुछ पता चल जाएगा आपको, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। और ऐसा प्राइस में जो हम चीज़ बनवा के दे रहे हैं, जो चीज़ लगा के दे रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हो किस प्रकार की, जो सामने इसके घर के सामने जो रोड है, वो रोड की जो साइज है वो 25 फीट की रोड है, आप इसी से आप अंदाजा लगा लो। बाकी इसको मैं छत दिखा देता हूँ, छत किस प्रकार की है इसकी। घर के बगल में ही मंदिर है, जस्ट बगल में मंदिर है, और बगल में ही घर स्कूल है, तो सब कुछ आपको हर एक फैसिलिटी है। और जो घर के सामने जो रोड है वो 25 फीट की रोड है, पूरा का पूरा आप ये देख सकते हो किस प्रकार का ये जो इलाका है, चाहे जो छत है इसके ऊपर आराम से आप 2 मंजिल 3 मंजिल जितना आपको बनवाना है आप आराम से बनवाओ, पूरी छत सहित आपकी है, तो आप बहुत अच्छी चीज़। और इतनी अच्छी सोसाइटी दे रहा हूँ मैं, पूरी गेटेड सोसाइटी है, पूरी गेटेड सोसाइटी है, और तकरीबन यहाँ पे 200-250 मकान बने हैं, जिस प्रकार से हमने चीज़ बनवा रखी है, लगा रखी है, फिटिंग हो, टंकी हो या पानी हो, हर एक चीज़ का सामने समर्सिबल लगा हुआ है, हर घर के सामने समर्सिबल लगा रखा है, जिससे कि आपको पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हर घर के सामने समर्सिबल है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी रोड है, बहुत चौड़ी रोड है,
और बगल में मंदिर है, स्कूल है, तो आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। और हर चीज़ जो कि आपका यहाँ पे गोर सिटी जाना है, नोएडा जाना है, सूरजपुर जाना है, गाजियाबाद जाना है, दादरी जाना है, बगल में ही आपके जस्ट घर के बगल में ही आपके मारीपत रेलवे स्टेशन है जो ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ से आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगी हर जगह जाने के लिए। बात कर लूँ अगर मेट्रो की, तो मेट्रो भी ज़्यादा दूर नहीं। सारी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी आप जिस प्रकार सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, उसके लिए आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँ। बाकी जो साइटें मैं दिखा रहा हूँ सारी साइटें अपनी हैं, सब जगह अपना खुद का काम करवाया जा रहा है। खुद के हम लोग अपने लड़के हैं, अपने लोग हैं, अपने भाई हैं, सब मिल के काम करते हैं। तो आपको किसी भी प्रॉपर्टी में 1 रुपये का भी कोई ना ही कमीशन देना है, ना ही कोई चिकचिकबाजी है, ना कोई सरदर्द है। हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी आपको। इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखें। और आपके मन में कोई सुझाव या सवाल है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पर जाके मुझे को अपनी राय दे सकते हैं। और मुझे अगर आपके मन कोई भी सवाल सुझाव तो आप बिल्कुल, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरा ड्रीम है 100 के सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा और चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेके आऊँगा आपके बजट में, रीजनल प्राइस में, और एक मतलब किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज। आप सिंक देखो, सिंक भी हमने हिंदुस्तान का लगा रखा है, जो टोटी लगी हुई है टोटी भी हमने लगा रखी है ग्रेविटी की। मतलब हर चीज़ में, किसी चीज़ में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है हमने। या तो आप कहीं पक्की में लो, कहीं भी लो, जैसे भी लो, हर जगह टाइल्स रोड पे टाइल्स, वुडन टाइल्स है हैं। इस पर क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी कोई भी गंदगी नहीं होगी। जो हमने बाथरूम लगा रखा है ये भी टाइल्स है, जो किस पे आपके पैर, जो कि बाथरूम लगाने से पैर और कुछ भी नहीं स्लिपता है। और जब दीवार की टाइल्स देख रहे हो किस प्रकार की है, तो आप यार इस चैनल पे बस अपना कमेंट होकर बताओ कि आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी। और इसका जो प्राइस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से